तूने क्यों कहा कि तू हमारी अनु नहीं है? अपनी जान बचाने के लिए, ताकि वो लोग मुझे छोड़ दे और मैं आप सबको बचाने के लिए बाहर जाके पुलिस को बुला सकूं। आप लोगों को सेफ रखने के लिए मैंने तो बस उन चोरों से झूठ बोला था। झूठ तो तू अब बोल रही है। सच तो ये है कि ये इस घर की असली बेटी है ही नहीं, ये असली अनु है ही नहीं। तुमने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया। नानी, आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं, लेकिन आपको मेरी जान नहीं, पुलिस की मदद की जरूरत थी, इसलिए मैंने बदमाशों से बचने के लिए झूठ बोलने की ट्रिक सोची थी। हाँ, आपकी कसम नानी। तूने दादी माँ की झूठी कसम खाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा प्रिया। सबसे बुरी तो तू है। तूने हमेशा झूठ बोला अपने लिए, और हमारी अनु ने हमारे लिए। और तू उसे धमकाने वाली होती कौन है? चलो भाई चलो, मेहंदी हो गई, तमाशा भी हो गया, अब अपने अपने घर को चलो। और हाँ, सगाई में आ जाना, ठीक है ना? जाओ भाई, राम भला करे। एक बात कान खोल के सुन ले लड़की, कि इस मेहंदी का रंग तेरे हाथों में भले ही दो तीन दिन चढ़ जाए, लेकिन तेरी किस्मत हमेशा बेरंग रहेगी। अर्जुन के नाम की मेहंदी भले ही तेरे हिस्से में आ गई हो, लेकिन अर्जुन हमेशा अनु के हिस्से में ही आएगा। चल अनु। अगर आज हम सबकी जान बचे तो सिर्फ और सिर्फ मिश्री भाभी की वजह से। और थैंक यू के बदले सब उन्हें ताने मार के जा रहे हैं। आखिर कब तक और किस लिए? कुछ तो कहिए भाई, आखिर कुछ तो कहिए। थैंक यू बोल सकता हूं अश्विन, झूठ को सच नहीं बोल सकता। असली अनु कौन है साबित हो चुका है, इसके बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी। देखिए, हम आपके इस थप्पड़ को थप्पड़ नहीं, शाबाशी की थपकी समझेंगे दादी माँ।
इस बात की शाबाशी कि हम आज भी अपनी बेगुनाही साबित करने को डटे हुए हैं और मरते दम तक डटे रहेंगे, पर प्रिया का सच तो आपको दिखा के रहेंगे। आश्रम वालों ने लिस्ट भेज दी, अब हम सच के बहुत करीब हैं। As always, मम्मी तो नहीं आप, और अब से मैं भी नहीं आ पाऊंगा। फैमिली को बचाया, उसके लिए थैंक यू। तुम अब भी अनु को गलत साबित करने में लगी हो। मेरा साथ छोड़ने में तो तुमने 2 सेकंड नहीं लगा, ये झूठ का साथ कब छोड़ोगे? ये झूठ है अर्जुन, ये झूठ है। ये वो सच है जिसे कुछ टाइम पहले आप भी सच मानते थे अर्जुन। आप भी मानते थे कि प्रिया असली अनु नहीं है, क्योंकि तुमने मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। पट्टी इंसाफ की आंखों पर बंधी होती है अर्जुन, जो हर रोज आजकल आप भी साबित करने लगे हो। और अनु के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स ने जो साबित किया कि वो विद्या बुआ और ब्रिज अंकल की बेटी है, उसका क्या? टेस्ट के रिजल्ट के साथ छेड़खानी भी की जा सकती है अर्जुन। उस टेस्ट ने अगर कुछ साबित किया है तो ये किया है कि आपको हम पर जरा सा भी भरोसा नहीं। क्योंकि भरोसा करने की कोई वजह नहीं है मिश्री। पहले तुम उस प्रीति को इस घर में अनु बनाकर लेकर आई, और फिर अंधा होने का नाटक किया। प्यार भी तो किया था, हम जरा सा भरोसा भी नहीं कर पाए। वही तो प्रॉब्लम है मिश्री, थोड़ा नहीं पूरा भरोसा किया था मैंने तुम पर। आपका भरोसा हमारा हक था अर्जुन, देकर आपने वापस ले लिया। लेकिन अगर हमने भी उस भरोसे को वापस हासिल ना किया तो हम भी अपनी मम्मी की बेटी नहीं। कुछ खोया होता तो तुम उसे हासिल कर लेती मिश्री, पर जो खत्म हो गया है उसे कैसे हासिल करोगे? मैडम, आज अनु और मेरी सगाई है, तुम ग्रेचुलेट नहीं करो? ठीक है, मत करो। ऐसे ही चुपचाप खड़े होकर अनु और मुझ पर फूल बरसते हुए देखना। जाने दो अर्जुन। मैंने तुम्हें नहीं रोका है मिश्री, अब ये मेरा हक नहीं। अर्जुन और मिश्री सिर्फ एक दूसरे का हक नहीं, एक दूसरे का हिस्सा है। हम अभी अधूरे सही अर्जुन, लेकिन मम्मी कसम हम फिर से पूरे होंगे। अम्मा, हमारी अनु आ गई।
बच्ची अब तो सगाई में आएगी और सीधे अस्पताल जाएगी। कितनी खूबसूरत लग रही है, है ना? एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है हमारी अन्नू। अरे चांद का टुकड़ा नहीं, पूरा चांद लग रही है हमारी अन्नू। आप अमावस की रात में चांद ढूंढ रही है दादी माँ? मेरी तारीफ सुनते ही तेरे पेट में जरूर दर्द होता है। चिंता मत कर अन्नू, थोड़ी देर में पूरे तन बदन में दर्द होगा इसके। प्रिया पर बरसने वाले थे ना? शायद मम्मी का प्लान कुछ और ही था। तुझे तो वाह, कल भी लोगों के सामने तमाशा हुआ है, आज फिर कोई बखेड़ा हो। ठीक कह रहे हो तुम। अर्जुन, अनु, चलो बच्चों हम सगाई की रस्म शुरू करते हैं। जी वाह जी। क्या सोच रहा है बेटा? अंगूठी पहना ना।
है माता रानी। यहाँ सबके चेहरे पे उलझन है और तेरे चेहरे पे हंसी। तू अपना रिश्ता तो संभाल नहीं पाई, चोरी चकारी भी शुरू कर दी तूने। बता अंगूठी कहाँ छुपाई है? मैं अंगूठी नहीं छुपाई दादी माँ। नहीं छुपाई? अच्छा बच्चू, अम्मा हम अभी के कमरे में देख के आते हैं। पूरा खंगाल लीजिएगा यशोदा जी। चोरी करके झूठ बोल रही है तू? दादी अंगूठी का क्या करना है वो सोचिए। हाँ नानी, आप मिश्री को मत डांटिए। नानी इसकी अंगूठी उतरवा लीजिए। की वजह से इतनी दिक्कतें हुई है तो आज इसकी अंगूठी से ही सगाई होगी। वैसे भी अब अर्जुन की हर चीज पे मेरा ही तो हक है ना मिश्री? ला तेरी अंगूठी दे। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन हमारी अंगूठी नहीं देंगे। अंगूठी उतार लड़की, वरना चांद से नहीं उंगली से जाएगी तू। यशोदा। हाँ हाँ हाँ। अंगूठी दादी प्लीज। अर्जुन बीच में मत बोल। अंगूठी देती है या भाभी? ये लोग से बहस करके कोई मतलब नहीं, आप अपनी अंगूठी दे दीजिए। हाँ मिश्री बेटा, अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दे दे अंगूठी, वरना अपनी उंगली से भी जाए जिद मत कर बेटा। लड़की घर में रोज तमाशा हो अच्छा नहीं लगता। चुपचाप पांगुठी उतारो। माँ कितनी भीड़ है। फैसला तेरे हाथों में दिया था, अब फैसला उंगली और अंगूठी तीनों में से कुछ नहीं होगा। अब हमारी अंगूठी देते हैं। ये लो। सगाई
मुबारक हो अर्जुन। अर्जुन, गुनहगार की सजा उतनी ही बड़ी होनी चाहिए दादी, जितना बड़ा गुनाह हो, वरना इंसाफ पर ना इंसाफी का ठप्पा लग जाता है। अर्जुन, 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 तलवार छोड़ो, तलवार छोड़ दो अर्जुन, अब हमारी अंगूठी देते हैं, ये लो। मुबारक हो अर्जुन। मिश्री ही असली अनु, यानी इस घर के बेटे हम ही हैं।